हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ सर्कल का रॉ पावर 850 वोल्ट का SMPS का, और ये गेमिंग के लिए और SLI सपोर्ट ATI सपोर्ट। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 850 वोल्ट का है और इसके ये साइड में यहाँ पर दिया गया है ये ATX 2.31, इसका टेम्परेचर कितना है, और ये AMD में और i3, i5 और i7 में सपोर्टेड है। इसके पीछे इसके पावर के बारे में बताया गया है 850 वोल्ट का कितना पावर कैपेसिटी है इसमें, और पीछे आप देख सकते हो ये देखिए ये एक्सटर्नल के अंदर अलग से एक्सटेंडेबल वायर लगा सकते हैं। ओके, ये बॉक्स खुल गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है, सबसे पहले तो इसका है ये मैनुअल और ये है इसका वायर, 3 पिन वाला वायर, देख सकते हो किस तरह से बना हुआ, और ये है ऊपर से इसका ये कवर है, इसको हटा देते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ से ये पिन लगेगा और इस साइड देखते हैं ये वायर, ये देखिए ये वायर को हम लोग अलग से निकाल भी सकते हैं, जितना वायर हम लोग को चाहिए यहाँ से हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वायर्स को, हम लोग को जो वायर नहीं चाहिए वो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, खोल देता हूँ, ये देखिए ये जो PC के अंदर लगे आपने मॉडरबोर्ड के अंदर जो वायर होता है, और एक ये वायर होता है, ये दोनों वायर फिक्स है, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते, और जो यहाँ पर से देखिए यहाँ से ये फिक्स है, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते ये दोनों वायर। ओके, ये सारे सारे वायर जो हम लोग के हार्ड डिस्क में लगे हैं, जो हमारे ग्राफिक कार्ड में लगेंगे PCI एक्सप्रेस के, और जो हम लोग के हार्ड डिस्क में DVD रूम में लगने वाले वायर्स हैं उसको हम लोग चाहिए तो निकाल सकते हैं। हमारे पास एक ग्राफिक कार्ड है, हम लोग एक ग्राफिक कार्ड के लिए PCI एक्सप्रेस लगा सकते हैं, या फिर हम लोग दो ग्राफिक कार्ड है दोनों PCI एक्सप्रेस को लगा के रख सकते हैं इस तरह से। ओके, मुझे इसमें लगाना है, ये देखिए ये दोनों वायर है, तो मैं फिर से यहाँ पर लगा देता हूँ। इस तरह से, और इसको भी मैंने लगा दिया। ओके फाइन, ओके चलो इसको सेटअप करते हैं अपने CPU में, CPU के कैबिनेट में। ओके, मेरा ये CPU कैबिनेट खुल गया है। ये देखिए मैंने इसके अंदर 650 वोल्ट का पहले से लगा कर रखा था SMPS, वो फिलहाल ड्यूल ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है। मैंने बहुत ट्राई किया इसके अंदर सपोर्ट करने करता है, यानी बहुत कुछ ट्राई किया उसके साथ, मगर जाके वो स्लाई तो हो जाता है, मगर जाके रनिंग के टाइम बीच में ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है। इसलिए मुझे 850 का वॉल्ट का चाहिए था SMPS इसके लिए। ओके, मैं इसके अंदर इसको फिक्स करता हूँ। मैंने अपना 650 वाला SMPS निकाल लिया हूँ, इसको फिक्स करने के लिए इधर पे मुझे सबसे पहले जो मेरे को यूजफुल है वही वायर मैं इधर पर रखता हूँ, बाकी सब वायर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ तरह से। ये दोनों PCI एक्सप्रेस वाले वायर है, इसको यहाँ से ऐसे टच करके रखना है। ओके, इसको मैं फिक्स करता हूँ, बाकी देखा जाएगा मेरे में जितने हार्ड डिस्क है उसके हिसाब से मैं वायर को उसके अंदर लगाऊंगा। मेरा कैबिनेट नीचे से, ज़्यादातर कैबिनेट्स ऊपर की तरफ SMPS होता है, मेरे कैबिनेट में नीचे की तरफ SMPS है, क्योंकि ये गेमिंग के लिए स्पेशली कैबिनेट है, ताकि जाके जो भी इसका वो रहता है जो इसकी गर्मी होती है SMPS की वो नीचे से निकल जाए, नीचे जाके वो क्या होता है कि जो भी गर्म हवा होती है वो CPU के अंदर चली जाती है अगर ऊपर की तरफ रहता है,
ये बेस्ट आइडिया होता है कि नीचे ही रहे तो वो अच्छा है। और आपको अगर ये कैबिनेट लेना है, अगर आपको ये सरकार का SMPS लेना है, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। ओके, मैं इधर पे से इसको फिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। ओके, मैंने पीछे से भी यहाँ से भी वायर निकाल के यहाँ पर लगा दिया हूँ। इस कैबिनेट का फायदा यह है कि इसके जो भी वायर है सामने की तरफ नहीं आते, इसके पीछे से वायर लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। वायर मैनेजमेंट इस कैबिनेट का काफी अच्छा है। ओके, यहाँ से आसानी से फिक्स कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने सारे सारे वायर्स को प्रॉपरली फिट कर दिया है और कैबिनेट को भी अच्छे से फिट कर दिया है। और अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं अपने PC में। ये देखिए, ये ग्राफिक कार्ड में भी मैंने दोनों ग्राफिक कार्ड ऑन करके रखा हूँ, SLI भी लगा कर रखा हूँ। ओके, अभी मैं इधर पे चेक करता हूँ कि मेरा SLI चालू हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली SLI चल रहा है कि नहीं। मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया, विंडोज के ऊपर राइट क्लिक करना है, NVIDIA कंट्रोल पैनल में जाना है। ओके, कंट्रोल पैनल खुल गया। इधर पे से हम लोग को जाना रहेगा कॉन्फिगर SLI सराउंड सन फिजिक्स, जैसे हम लोग को मैक्सिमम 3D परफॉर्मेंस में क्लिक करके और उसे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अप्लाई करने के बाद ये SLI से कनेक्ट हो जाएगा। SLI पे कनेक्ट करने से पहले इधर पे बहुत सारे क्लोज करने पड़ेंगे मुझे एप्लीकेशंस। SLI चालू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए मुझे बहुत सारे एप्लीकेशन बंद करने पड़ेंगे। इस एप्लीकेशन मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ओके, सब बंद होने के बाद फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ये SLI कनेक्ट हो चुका है। ओके, ये SLI हो चुका है और इसको हम लोग, मैं आगे की वीडियो बताऊंगा कि स्पीड क्या आ रहा है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और SLI कैसे कनेक्ट करते हैं और अपने स्पीड को, अपने ग्राफिक स्पीड को कैसे बढ़ाना है, इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।